नमस्कार, आज नमस्कार। हम ये इंटरव्यू शुरू करेंगे। ये है मेरी माँ, दादी मेरी, इनका नाम है मनोरमा झा। मैं आज इनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। मेरा नाम बता ही दिया, मैं इसे पोता का दादी हूँ। मेरा पति का नाम सुभाष चंद्र झा है, यही परिचय है। सबसे बड़ा परिचय ये पोता हमारा है। आप ये बताइए, बचपन का आपको सबसे पहला चीज क्या याद है? बचपन का वही जो कुड़िया पुछिया ये सब खेलते रहते थे, मिट्टी का हंडी कढ़ाई सब बनाते थे। दो चार सहेली मिलके खेलते रहते थे कि मिट्टी का ही खेलता, तब वही सब खाना बनाते थे, खिलाते थे सब। उसके बाद वो कपड़ा का गुड़िया ये सब बना के उसका शादी कराते थे, यही सब खेलते थे बचपन में। आप जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में कोई ऐसा दिन आपको याद है जो बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा दिन? स्कूल में हमको जाने का मन ही नहीं करता था। जबरदस्ती दरवाजे पर ही स्कूल था और हमारा चाचा ही टीचर था, जबरदस्ती हमको स्कूल भेजते थे। वहां से बहाना करके ऐसा दिखा के, पंडित जी जाओ जल्दी आओ जल्दी आना, हाँ जाके। और एक कपड़ा का थैली रहता था, उसमें एक स्लेट, एक कॉपी और एक छोटा सा शीशी में पानी, वो मिटाने के लिए एक चौक, एक वो फ्रॉक सलवार, फ्रॉक पहनते थे, छोटी थी फ्रॉक पहनते थे, तो कॉपी को और स्लेट को ऐसे फ्रॉक के अंदर ऐसा कर लेती थी, और कि सब कुछ लेके वही एक कॉपी था लेके भाग जाती थी स्कूल से, क्या फिर दोबारा नहीं जाती थी। दूसरे दिन जाते थे तो मार पड़ता था और चाचा बोलता तुम्हारे कपार में कुत्ता काट लिया है, तो भागती है स्कूल से। आपका ईशान टीचर? चंद्र झा नाम था अच्छा, चाचा चाचा का। चाचा अच्छा, आपके टीचर कौन थे स्कूल में? का। तीन टीचर थे, एक छेदी पंडित जी, एक माधव चंद्र चौधरी जो विधान विधान सुने थे, विधान के पिताजी, और एक ईशान चंद्र झा। तीन टीचर थे। उनमें से आपको कौन हम ज्यादा अच्छे लगते थे? क्या माधव चंद्र चौधरी वो शांत थे, माइक को थोड़ा सा नीचे? हाँ हाँ वो शांत थे। बाकी वो ये ईशान चंद्र झा बहुत गुस्सा वाले थे, बहुत गुस्सा, और मारते थे तब वो करची से, बांस के करची से, हाथ में पटाख से मारते स्कूल थे। तो में स्कूल में एकदम अच्छा नहीं लगता था। टिफिन खाते थे स्कूल में आप? हाँ टिफिन, अचार अचार लेके जाते थे कागज में लपेट के, इतना बड़ा बड़ा फक्कू अचार, यही टिफिन लेके जाते थे। सब सहेली सहेली सबको बोलते थे आज हम ये लाते हैं, कल तुम ये लाना। तीन चार सहेली थी, आज हम कुछ वो लाती थी कुछ हम लाते थे, सब तो ऐसे मिलजुल के खाते थे। तो आपको आपके दादाजी के बारे में कुछ याद है? दादाजी हम नहीं देखे थे, दादा दादी को नहीं देखे थे। उनके नाम? नाम दादा का नाम था रुद्रदत्त झा और दादी का दुखनदाय नाम था, लेकिन दादा को हमारी माँ ने देखी है। हमारे हमारे पिताजी जब 18 साल के हुए, शादी हुआ हमारा पिताजी का, तब दादा मर गए। और हमारी दादी तो मर गई 1.5 साल के हमारे पिताजी, तभी पिताजी ने भी दादी को नहीं देखा, माँ को नहीं देखा था। तो दादा दादी के बारे में ऐसा कुछ नहीं, नाम जानते हैं, यही सब कहानी सुनते हैं कि ऐसे गए। कुछ कहानी उनके बारे में याद है? कोई खास कहानी उनके? उनके कहानी दादा दादी का, दादा दादी का कोई कहानी नहीं। नाना के बारे में आपको कुछ नाना याद है? हमारा बहुत जबरदस्त नाना था। नाना तो स्कूल नहीं जाने देते थे, नाना के डर से ही हमारे छिप के, हमारे माँ बाप ने छिप नाना से छिपा के हमको स्कूल भेजते थे। नाना बोलते थे कि स्कूल मत भेजना, लड़की बिगड़ जाएगी। नाना बहुत गुस्सा वाला, बहुत गुस्सा वाला। और आपकी नानी? अच्छा, नानी बहुत उल्टा एकदम, बहुत एकदम सीधी नानी, बहुत अच्छी। और आपके पिताजी का क्या नाम है? उनके पिताजी बारे में कुछ का बताइए। अच्छे कांत झा, पिताजी बहुत अच्छे, सामाजिक आदमी, गृहस्थ आदमी, वो बैंक में काम करते थे। बैंक में वो लेन देन का काम करते थे, जैसे इतने कम ब्याज में लिया फिर ज्यादा ब्याज में पैसा लगाया, यही सब उलट फेर वही काम था उनका, और साथ में गृहस्थी खेती का। पिताजी
पिताजी भी बहुत जल्दी मर गए। और आपकी माताजी? माताजी भी बहुत अच्छी, माताजी तो 86 साल की उम्र में मरी है, जिस साल आपका जनौ था, आपके जनौ से 3 महीना पहले मेरी माताजी। उनका क्या नाम था? लाखो देवी। उनके बारे में और कुछ बताइए, वो क्या करते थे? बहुत दयालु थी, बहुत परोपकारी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी। आपके शादी के समय क्या गतिविधि हुए थे, आपको कुछ याद है? शादी तो हमारे नाना ने करवाए, 1 घंटा के अंदर उस सपूत पाठक के दुकान पर तय हो गया हमारा शादी, हमारे नाना और पापा जी के नाना, ये दोनों ने मिलके तुरंत शादी पक्का कर दिया, तुरंत बात शुरू हुई और तुरंत ये हो गया। हमारे पिताजी को जब मालूम हुआ तो उनको पसंद नहीं था, ये लड़का पसंद नहीं था, मतलब लड़का पसंद था ये नहीं कि, हम लोग दरभंगा जिला में करते थे तो हम ये दक्षिण में नहीं करेंगे, हमारा समाज इसको बोलेगा कि नहीं क्यों यहाँ किया, तो इसके लिए हमारे पिताजी को हमारी शादी पसंद नहीं थी। लेकिन पिताजी का नहीं चला, माँ का चला, माँ तो अपना बाप का करती है ना, कि जो हमारे पिताजी ने बोला है तो वही करेंगे, तो हो गई शादी। 12 साल की उम्र थी हमारी शादी में, 12 साल की थी शादी हुई, फिर 3 साल के बाद ससुराल गई। तो पहली बार आप ससुराल गए तो सब क्या सब हुआ बताइए? ससुराल गए तो जब देखे वहाँ का गांव, खड़ारा गांव, और फिर वो सोना गुजी देख के लगा रही, तो हम तो देखे क्या, ऐसे घूंघट में पालकी पर गई थी तो इधर उधर तो देखे नहीं, लेकिन जब मालूम पड़ा तो 4 घर का बस्ती, तो लगा क्या ये पिताजी हमारे गए कुछ दिन के बाद, 1 महीना के बाद हमको देखने, ये बेटी बहुत छोटी है, जाते हैं कैसे रहती है ससुराल में, जाके एक बार देखा दो। देखने गए तो जब वो गांव देखे तो उनको लगा कौन सा गांव में बेटी का ब्याह कर दिया हम। फिर वहाँ से आए तो फिर पापा जी से बोले कि आप खड़ारा में गांव घर बनाइए, वहाँ जाने का 3-6 कोस मैंने 6 मील जाने पैदल चल के जाना पड़ता था, कोई सवारी नहीं गांव में, खाली खेत अड्डा ये सब पर चढ़ चढ़ के जाना पड़ता था। तो वो सब देख के पिताजी को लगा कैसा गांव, लड़की का शादी कर दिए। फिर जब बोले कि आप यहाँ खड़ारा में घर बनाइए, तैयार हो गए, और फिर दादी माँ भी बहुत खुश हुई कि हाँ खड़ारा में घर बनाएंगे, बन गया घर खड़ारा में। 64 ईस्वी में घर का काम शुरू हुआ और 1 साल लगा काम होते होते, 65 में फिर उसी नया घर में फिर नया आया मेरा बड़ा बेटा नया लालन, 1966 के 1 जनवरी को, 8 दिसंबर को गृह प्रवेश हुआ और 1 जनवरी को लालन। तो वो जो घर है, जो नया घर है, उसका नाम है अंबिका सदन। बहुत शुभ, बहुत अच्छा घर हुआ। नाम अंबिका सदन कैसे पड़ा? दादी माँ का नाम है, तो दादी के नाम से पड़ा, दादी माँ के नाम से। अच्छा, तो वहाँ पे आप लोग क्या क्या करते थे जब पहली बार गए? पटना में, हम लोग पटना में तब रहते थे, तो पटना से तो नजदीक था, तो साल में 2 बार 3 बार 4 बार जाते थे घर, चले जाते थे घर, पापा जी नहीं भी जाते थे तो हम चले जाते थे बच्चे को लेके, अच्छा लगता था, दादी माँ थे, बाबा थे, और घर बहुत अच्छा घर, तब बहुत अच्छा घर लगता था, अब तो वीरान लगता है, लेकिन उस समय बहुत अच्छा घर था। दादी माँ और बाबा वहाँ क्या क्या करते थे? बाबा लालन के जन्म के बाद दादा रिटायर हुए, दादा बाबा वो रिटायर हो गए, तो उनको लेकिन वो खुश नहीं थे कि हम यहाँ ससुराल के गांव में नहीं रहेंगे, क्यों बनाया यहाँ घर। रहते थे दादी माँ तो बहुत खुश, दादी माँ बहुत अच्छा, दादी माँ का मायका वहाँ था, और बाबा का 4-5 एकदम ऐसा सत्संगी हो गए उनका कि 4-5 ग्रुप, वो 4-5-6 ग्रुप आदमी का ग्रुप था, वो हर सप्ताह सत्संग करते थे, आज इनके घर में
कल उनके घर में ऐसा करके छह आदमी थे। छह आदमी का नाम था, सबसे पहले राधाकांत मिश्र, सूरत मिश्र, अभय चंद्र झा, प्रेम चंद्र झा, अभय चंद्र झा, तीन हमारे चाचा थे ये सब। ये छह आदमी का ग्रुप था और सब अपने अपने घर में सत्संग करते थे हर रविवार को। तो बाबा इसी में रहते थे, अपना सत्संग में कीर्तन भजन जप इसी में रहते थे, अपना दरवाजे पर बैठे रहते थे। ज्यादा घर के काम में, घर में कुछ न कौन क्या करता है नहीं करता ये सबसे उनको कोई मतलब नहीं। खाली जब नॉनवेज बनता था जिस दिन, तो उनको लग जाता था कि आज कुछ बन रहा, आते थे ऐसे किचन, आज कुछ लंफ लंफा बन रहा है क्या? हाँ उनको बोली भी आज हाँ करके फिर चले जाते, दरवाजा पर बैठ जाते थे। लेकिन खुश होते थे कि बच्चा लोग खाता है तो ठीक है, खराब नहीं लगता था उनको। आपके भाई बहन के बारे में कुछ बताइए। भाई बहन तो हमारे दो भाई तीन बहन, भाई लोग ऐसे हमारा कोई उतना काबिल नहीं हुआ, पढ़ा लिखा नहीं साधारण। बड़ा भाई तो शादी भी नहीं हुआ उनका, नहीं किया शादी। मेरे पिताजी ही बोले कि क्या ये कुछ कैसे पालेगा ये परिवार, शादी लड़की का जीवन हम नहीं बर्बाद करेंगे। तो हमारे पिताजी ने ही बोल दिया कि इसका शादी नहीं कराना है। बहुत सीधा, बहुत सरल, एकदम सज्जन, चार थप्पड़ मार दो फिर भी वो कुछ नहीं बोलेगा ऐसा था। छोटा मैट्रिक पास किया, उसका शादी हुआ और फिर उसको सर्विस सरकारी सर्विस लग गया। फोर्थ ग्रेड में सरकारी सर्विस लग गया। यही भाई का। और आपके जो बहन बहन तो? बहन तो ये एक बहन बीच वाली है और ठीक है। उसको दो बेटा है, एक बेटी है। उसका बेटा लोग अभी एक बेटा वहाँ चंडीगढ़ में है जो अपना सब कुछ उसने घर उर बना लिया है। एक बेटा गांव में रहता है अभी, पहले सर्विस करता था फिर बीमार हो गया तो अभी गांव में रहने लगा। और दूसरी बहन टीचर थी, अब रिटायर है वो भी ठीक है। तीसरी बहन भी वो। आपके कुछ दोस्त थे गांव में? गांव में दोस्त थे, उनके बारे में कुछ बताइए। सब दोस्त ऐसे सब दोस्त मिलके, तब क्या था कि खेत में ये चना ये सब लगा रहता था ना, तो साग तोड़ने जाते थे, साग तोड़ने जाते थे सब मिलके। तो एक बार क्या हुआ, आपके नाना जी पहुंच गए वहां। आपके नाना जी, हे हे कौन है, भाग 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 भाग, एक सबको भगा दिया खेत से। आपके नाना जी कुमारी ने बच ये शादी के बाद में, शादी के बाद अपने दोस्तों से मिलते थे। हाँ क्या करते थे उनके साथ? दोस्त के साथ वही इधर चलो ये गाछ पर चढ़ के खेलते थे, गाछ पर ज्यादा बैठ के खेलते थे ये बगीचा में उधर इधर, फिर उसके घर में कभी उसके घर में कभी हमारे घर में सब ये सिलाई बुनाई स्वेटर सब मिलके बुनते थे। सब ये डिजाइन सिखाओ, उससे तुमको ये आता है ये सिखाओ, स्वेटर बुनते थे, थैली बनाते थे, ये सब बहुत ये सब करते थे, पंखा बनाते थे, गेहूं का डंडी का पंखा बनाते थे, ये सब काम सब मिलके करते थे। आप मुंबई जब आए तो कैसा लगा आपको? पटना से जब बंबई आए पहले तो लगा कि नहीं जाएंगे, जब आए तो लगा स्वर्ग में आ गए। वो उस आने के बाद पटना एकदम फीका लगने लगा, नहीं तो पटना लगता था यहाँ से बढ़ के और कुछ है ही नहीं। मुंबई में बहुत अच्छा लगा। मुंबई आके आपके कोई दोस्त बने हैं? बम्बई में दोस्त सबसे भाई संजू की माँ एकदम बहुत अच्छा दोस्त। गार्डन हरिमन सर्कल में बैठते थे, सब बच्चे को लेके जाते थे, वही बैठती थी, वहीं परिचय हुआ, वहीं से दोस्ती हो गई तो बहुत अच्छा से दोस्ती निभ गया। उसके बाद वो चली गई वहाँ नाला सुपारा, हम एरोली चले आए। आप जब मुंबई में थे तो बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो वो बच्चे छोटे थे तो लालन तो दूसरा स्कूल में, ये बड़ा हो गया था पटना में, ये पांचवी में था,
फिर यहाँ भी पांचवी, एक साल इसका बेकार हुआ, यहाँ भी पांचवी में ही एडमिशन हुआ इसका हिंदी मीडियम में। नहीं होता था एडमिशन तब, किसी तरह से पंडित जी ने कराया, सुंदरलाल त्रिपाठी ने। उसके बाद फिर ये मनीष और सोनू बम्बई आए थे, तो सोनू एक साल का था, 16 अप्रैल को बम्बई पहुंचे और 22 अप्रैल को इसका पहला जन्मदिन। तो फिर ये लोग होली ने में पहले एक कामा स्कूल था इंडिया गेट के सामने, वो टाइगर गेट देखा था उसके सामने, तो उसमें पहले कराया है एक साल, उसमें संजू अभी है दोनों का, पहले संजू का हुआ फिर हमको लगा कि हम भी करा दें अपना बेटा का हुआ, तो दोनों संजू और ये। उसके बाद फिर होली ने हाई स्कूल में कैसे एडमिशन कराया, ये एडमिशन कैसे कराया, वहाँ हो गया आराम से एडमिशन, हो गया आराम से एडमिशन हो गया। फिर एक का हुआ तो दूसरे को कराने में फिर दिक्कत नहीं होती थी। तो बच्चे जो मस्ती करते थे तब क्या करते थे बच्ची, तो हम कभी मारते नहीं थे बच्ची, हम अपने ही माथा ढूंढने लगते थे। ये सोनू और मनीष बहुत झगड़ा करता था, वो हसुआ होता है ना सब्जी काटने वाला सब्जी काट रही थी, तो ये दोनों इतना झगड़ा करने लगा कि हम ये छोड़ छोड़, नहीं तो हम अपना हाथ काट लेंगे, जैसे हसुआ उठा के ऐसा किया, छोड़ दिया झगड़ा। मारते नहीं थे बच्चे को, एक बार खाली सोनू को बहुत जोर से एक बेलना मारा था कि तुम लोग भैया क्यों नहीं बोलते हो, लेकिन कभी नहीं मारते थे बच्चे को, खाली अपना ही ये करने लगते थे, सर फोड़ लेंगे, ये कर लेंगे, डराते थे, छोड़ देता था झगड़ा। आपने कभी कहीं भूत देखा है? भूत नहीं देखा है कभी, भूत के बारे में आपको ऐसा लगा है कि हो सकता है या भूत? लेकिन देखा नहीं, और मन में ये विश्वास है कि भूत नहीं होता है, फिर भी बहुत डर है हमको भूत का, बहुत डर है भूत का। आपके गांव में कोई भूत का कोई ऐसा भूत का? हमारे सोनागुजी में वही विश्वास होता है कि है, वहाँ ये दादी माँ का जो बड़ी जेठानी थी, वो जब ऐसा वहाँ कोठी होता था पहले मिट्टी का, मिट्टी का कोठी में चावल रखते थे और नीचे से ऐसा निकालते थे, नीचे ढक्कन लगा, तो जब चावल निकालने लगती थी ना, वो उनका हाथी पकड़ लेता था, दादी माँ का जेठानी का हाथी पकड़ लेते थे। तो और कितना कितना तरह का भूत खेल करता था, सुबह सुबह एकदम मंदिर जो दुर्गा माया है वहाँ, वहाँ पर फूल बिलपात सब सब तैयार एकदम, ये कौन किया कौन किया, हमने नहीं किया, सब पूछते थे, ये सब कहानी सुनाती थी दादी माँ, दादी माँ सुनाती थी ये सब कहानी, हम देखे नहीं है, सबको पूछने लगते थे, आज क्या आपने किया है क्या, वो चौका उका पूजा का तो नहीं, भूत करते थे। भूत भी जो था ना लगता था धर्मात्मा था, तो उसने अच्छा अच्छा काम करता था। आपके तीन ननद है? तीन ननद हाँ। उनके बारे में कुछ बताइए। ननद ननद बहुत अच्छी है, तीनों ननद बहुत अच्छी है। तो आप उनसे पहली बार कब मिले? ननद से मतलब दोस्ती कब हुआ पहली बार? दोस्ती सबसे पहले पुतुल जो है, पुतुल हमारी शादी में पुतुल 5 बरस की थी, तो जब शादी हुआ ना तो पुतुल, जब दादी माँ आई अपना नैयर, तो पुतुल आती थी हमारे पास मिलने के लिए, हम 12 बरस के और पुतुल 5 बरस की, तो सबसे पहले पुतुल को देखे ननद में। उसके बाद जब गए ससुराल तब और दोनों ननद को देखे वहां ससुराल में। उनके साथ भी कभी कुछ खेलते थे या कुछ? ननद लोग के साथ कुछ गप सप, खेल नहीं गप सप, तब खेलने का कहा, तब तो पूरा घर का जिम्मेवारी आ गया, घर संभालने का काम आ गया, ससुराल गए तो बस सब काम अब बहू करेगी, सब करने लगे, तब खाली गपशप अपना ये सब। आप मुंबई में जब फोर्ट से एरोली आए तो आपको कैसा लगा? एरोली आए तो सबसे पहले यहाँ पानी देख के मन बहुत खुश हो गया, अरे इतना पानी, सब नल खोल खोल के देखे इतना पानी यहाँ,
मैं पानी देख के बहुत खुश हो गया मन। फिर अब जब परमानेंट शिफ्ट हुए तो आपको कैसा लगा वहाँ वहाँ कैसा का लगा? छोड़ने का तो दुख हुआ, लेकिन यहाँ यहाँ का वातावरण थोड़ा अलग टाइप का अच्छा लगा। धीरे 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 अच्छा लगने लगा। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नहीं खाने में जोर बात जोर बात कोई चीज का जोर बात। आपको घूमने में सबसे अच्छा कौन सा जगह लगता है? उज्जैन वहां पे आपको क्या अच्छा लगा? अच्छा लगता है कि वहां जो धर्मशाला है वहीं से मंदिर है। चादर खरीदने जाते थे, चादर का दुकान बहुत है वहाँ, फेमस है वहाँ का चादर और ये फरसान, ये उज्जैन का फेमस है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ उज्जैन। तीन आप चार बार गए हैं उज्जैन, जो 12 ज्योतिर्लिंग है आप सब घूम लिए सब हैं, सब घूम लिए। लास्ट ये मल्लिकार्जुन कैसा लगा उन सब के बारे में कुछ बताइए। तो बहुत अच्छा, मल्लिकार्जुन बहुत अच्छा सब जगह। आप दारा जी के साथ घूमने गए थे? दादाजी के साथ ये मल्लिकार्जुन जो गए हैं ये मनीष लेके गया, एकदम लास्ट में गए हैं। और दो तीन जगह तो ग्रुप जो जाता है ना गाड़ी पर उसके साथ गए हैं, सब जेसी झा ये सब सबके साथ सब पूरा हो गया। वैष्णो देवी भी 2 बार गए, एक बार गए और तब ये सोनू का पढ़ाई चल रहा था, तो इसे सोनू का इसका जब पूरा हो जाएगा ये पढ़ाई तो फिर आके माता जी आपका दर्शन करेंगे। तो फिर तब सोनू का शादी भी हो गया, कन्हैया बाबू भी हो गया, तब सब मीनू कन्हैया बाबू सोनू दादाजी सब गए थे 2 बार। का 77 ईयर्स हो गया, हमारा हाँ 77 की 78 क्या हो। 78 ईयर्स हो गया। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमको करना चाहिए था हम नहीं किए, इतना साल हो गया, कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है? उतना उतना दूर तक बुद्धि नहीं है बुद्धि साधारण है, उतना नहीं सोचते हैं। और आप जो हमारे जो आगे जो पीढ़ी आएंगे और 30-40 साल बाद, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कि उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? उनके बारे में कुछ सोचते हैं आप कि कैसा होगा? कैसा होगा इन लोग तो, क्या कैसा जमाना कैसा बदलेगा। अभी तक तो जो ये 78 साल तक कितना बदलाव देखे, और आगे तो और क्या क्या बदलेगा। जब सुने थे कि फोन पर जब बात होगा मोबाइल पर तो चेहरा भी दिखाएगा, ये तो सोच के आश्चर्य लगा, ये भाई ये ऐसा कहीं हो सकता है, चेहरा कैसे दिखाएगा। वो भी देख लिया, वो भी हो गया, तो और आगे क्या क्या होगा पता नहीं। सबसे ज्यादा बदलाव आपने किस चीज में देखा है, जो बचपन में और अभी में 70 साल में सबसे ज्यादा बदलाव किस चीज में देखा आपने? ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। मतलब कौन सा चीज जो है सबसे ज्यादा चीज बदल गया जमाना में, और कपड़ों में, खाने पीने में, सब चीज में सबसे ज्यादा? पढ़ावा ढावा बदल गया, बहुत बदल गया, खाना पीना भी बहुत बदल गया। हम लोग के टाइम का खाना पीना कैसा था, माड़ भात है ये सत्तू दलिया, अभी कितना बढ़िया बढ़िया खाना। तो खाना पीना में भी बदलाव हो गया और पहनावा में भी बदलाव हो गया, बहुत यही सब बदलाव हुआ। का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हो हमें ये गया समय दिया तो ये ना इंटरव्यू समाप्त करते समाप्त हैं। हो गया। ठीक ठीक है।